पंचायत राज विभाग के बैनर तले स्वच्छता पर एक कार्यक्रम का आयोजन मुरादाबाद ब्लॉक के गांव गिंदौड़ा के जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को स्वच्छता पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीओ पंचायत आमोद कुमार शर्मा ने की व संचालन पंचायत सचिव सीमा राजपूत द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में स्वच्छता अभियान के अधिकारी फरहीन मोबीन व निधि खान व विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान आमना के पति रफीक अहमद भी मौजूद रहे। सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों को स्वच्छता पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वच्छता अभियान के अधिकारी निधा खान ने कहा, महिलाएं होती हैं जो अभी यहाँ पे काफी मुझे महिलाएं इतनी नजर नहीं आ रही हैं, उन लोगों के साथ काम करती थी। मकसद जो इतना सारा मुहिम चल रही है, इतना सारा काम हो रहा है, उसका ये नहीं था कि हमें शौचालय बनवाना है या हमें कुछ और करना है। मकसद ये था कि जितने भी बच्चे हैं हम जैसे लोग हैं जो आपके गांव में आपके माता पिता हैं, वो बड़े हो गए हैं, वो एक उम्र पार कर चुके हैं जहाँ पे उनके स्वास्थ्य अब सिर्फ दवाइयों से ही हम संभाल सकते हैं, लेकिन आपको एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं अपना जीवन शैली बदल के, कि कैसे हम खुले में शौच ना जाएं, कैसे हम जो बीमारियां खुले में शौच जाने से, खुले में जो मानव मल पड़ा होता है उसके पड़े रहने से होती है, उससे किस तरीके से आपको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। तो उसी के चलते ये पूरी मुहिम शुरू हुई थी जिसे हम स्वच्छ भारत मिशन कहते हैं। आपके हर शहर में, आपके हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर पूरे के पूरे शहरों में ये काम चल रहा है कि हम शौचालय बनवा लें। आज के डेट में मुझे उम्मीद है कि सारे पूरे गाँव में शौचालय बन चुका है। प्रधान जी कौन है यहाँ पर? आपके यहाँ सारे शौचालय बन चुके हैं। अब देखना यह है कि हम कैसे इस शौचालय का उपयोग करें। आपके शौचालय कौन से बने हुए हैं? अभी सेप्टिक टैंक बना है या फिर 2 घंटे वाला शौचालय? कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं द्वारा कहा गया, और दूसरी बात ऐसी भी है कि कोई भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, शौचालय के लिए घर ही रहना चाहिए और सफाई बहुत अच्छी चीज है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बीमार व्यक्ति कभी आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क होता है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग अगर अच्छा होगा कब? जब हमारा शरीर अच्छा होगा, शरीर मजबूत होगा, और मजबूत शरीर में मजबूत दिमाग से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसके लिए हम सभी लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई चाहे वो अपने स्कूल की हो, अपने घर की हो, अपने शरीर। इस दौरान स्वच्छता पर एक रैली भी निकाली गई। रैली जूनियर हाई स्कूल से शुरू होकर गांव के सभी मोहल्लों में स्वच्छता का संदेश देती हुई वापस स्कूल पर जाकर संपन्न हुई। रैली में बच्चों ने सफाई और स्वच्छता पर संदेश दिए और अपील भी की कि कोई भी खुले में शौच ना करे। इस दौरान खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों पर भी लोगों को जागरूक किया गया। रैली की अगुवाई कर रहे एडीओ पंचायत आमोद कुमार शर्मा से बातचीत की गई, तब उन्होंने बताया, क्या नाम है सर आपका? मैं आमोद कुमार शर्मा, सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकासखंड मुरादाबाद। सर आज कौन सी रैली निकाल रहे हैं और क्या उद्देश्य है? ये आज 19 नवंबर है, विश्व शौचालय दिवस है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों में शौचालय का उपयोग करने के संबंध में जागरूकता फैलाना है। कौन से गांव पहुंचे सर आज? ये आज हमारा गिंदौड़ा गांव है, गिंदौड़ा विकासखंड मुरादाबाद। रैली के माध्यम से क्या बताया जा रहा है आमजन को आपके द्वारा? रैली के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो हमारे ग्रामवासी नहीं आ पाए हैं, बहुत सारी महिलाएं नहीं आ पाई हैं, उन्हें हम घर घर जाकर नुक्कड़ बैठक और नुक्कड़ सभाएं करके इस रैली के माध्यम से हम ये विचार, ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग शौचालय का उपयोग करें और अपनी व्यक्तिगत सफाई, अपने घर की सफाई तथा सामाजिक सफाई का। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी कौन सा कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य कार्यक्रम का? आज हम ग्राम पंचायत गिंदौड़ा में स्वच्छता रैली निकाल रहे हैं, जिससे हम घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे और उनके व्यवहार में परिवर्तन। आम जन से भी क्या अपील रहेगी आपकी? आम जन से अपील क्या रहेगी? हमारी आम जन से अपील है कि वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, साफ सफाई रखें, जिससे कि लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। इस मौके पर प्रधानाचार्य कल्पना राकेश, पंचायत सेक्रेटरी शकील अहमद, ग्राम प्रधान पति शफीक, हाजी इरफान, मोहम्मद इमरान आदि अन्य लोग भी मौजूद रहे।